खबर सुल्तानपुर से है, जहां सरकारी कोटेदार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। राशन की कालाबाजारी करके कोटेदार ने 70 से अधिक भूखंड का बैनामा करा रखा है। शहर में उसने मानक के विपरीत मुस्कान टावर के नाम से एक बहुमंजिला इमारत खड़ा कर रखी है। आपको बता दें, जिसे गिराने का भी आदेश हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह से मौन है। कार्यवाही के नाम पर सिर्फ कागजी खानापूर्ति हो रही है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट। सरकारी अनाज है जो चुक जाता है, गरीबों को जाता है जी। क्या वो भी ले लेते हैं ये? हाँ, घटौली करता है, घटौली करता है। हम बम्बई से आए, वहाँ क्या नाम अपना लॉकडाउन में हमको आज तक एक तोला गल्ला नहीं दिया है, एक अनाज नहीं दिया इसमें। ऐसे कितने हैं जो हम खाद्यान्न माफिया है? हाँ, जो सरकारी अनाज है वो गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये उठा लेते हैं? नहीं, गांव तक नहीं, और कोटेदार मेजरमेंट करके रख लेता है ये। अच्छा, अपने राइस मिल में उसका दो नंबर का चावल बनाता है। अच्छा, हाँ। कोई कोई कार्रवाई नहीं है। इसका FIR गोडाउन में इसके 2021 में 14 में पकड़ा गया था। 14 तो कुछ बोरी गेहूँ चावल गेहूँ पकड़ा गया था, उसमें भी वो कई मरतबा छापा डाल चुकी है। 2006 में छापा पड़ा है, 2014 में पड़ा है, सब मेरे पास उसका प्रूफ है। अपना सब सफा कर देता है, इसकी पहुँच है, पकड़ है, अपना दबाव रखता है। SDM के यहाँ कहता है जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले, हर मामले में थाने पकड़ रखता है अलग। अभी अभी हमको थाने पे दो बेल्ट मरवाया, मार भी खिलाया इसमें दरोगा के लिए कि तुम इसी जांच के लिए जांच करवा रहे हो। हम लोग किस थाने में करवा रहे हो? धम्बौर, धम्बौर में। अच्छा, तो हमने इसकी कंप्लेन नहीं की? नहीं, कंप्लेन किसको करेंगे? सुनील पांडे एसओ ने मारा है इनको। सुनील पांडे थे दरोगा, उतनी थे एसओ थे। मेरी जमीन को खुद आबादी की जमीन है, सुनील पांडे को मिल करके पैसा दे के कब्जा करवा लिया इन्होंने। हाँ, यही काम है इसका। किस तरह काम करते हैं इसका? जितने हैं सब नंबर दो के, जितने जमीन है सब अलूल फजूल का है। कितने बनामे हैं इनके पास? इनके पास मेरे पास इतनी टाइम 80 बनामे हैं इनके पास, 100 कुछ और मेरे जो उसमें नहीं है, 80 का मेरे पास प्रूफ है। इसके बारे में SDM ने आदेश किया, एक हफ्ते का मोहलत मांगा था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। 24 तारीख हो गई, DM साहब क्या हो चले आए अपील में, आज अपील में तारीख थी, उसमें लगा दिए हैं 22/7 लगा दिए, 22/7 तारीख लगा दिए, जबकि SDM साहब ने उसको पुनः फिर गिनने के लिए आदेश किया था। 16 में आदेश हुआ था गिनने के लिए, दबा दिया पैसा लेकर के विभाग वालों ने, फिर उभरा मामला, गिरने का आदेश हुआ, 7-8 दिन का टाइम मांगे थे, उसके बाद भी नहीं गिरा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। अपील में आके लटका के रखे हैं, पकड़ होने के नाते उसको सिर्फ लटकाया जा रहा है, दबाया जा रहा है पैसा लेकर। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, गिराया जाए उसका अवैध है, अगर संपत्ति है उसका जब्त किया जाए, जब्त किया जाए, इसको चलाया जाए। माफिया है वो, माफिया जिले का सबसे बड़ा है, जीता मेरे मकान को खुद उसने कब्जा कर रखा है।